top of the tower here horizontally and strikes the ground after 3 seconds. 3 सेकंड में वो नीचे गिरती है. इस बार टाइम गिवन है, नॉर्मली टाइम हमसे पूछा जाता है, इस बार टाइम हमें दे रहा है. एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. अब ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है स्टेटमेंट. अगर मैं ये डायग्राम ना दिखाऊं, बहुत सारे लोग शायद डायग्राम ऐसा बनाएंगे, ये प्रोजेक्टाइल है और ये प्रोजेक्टाइल यू वेलोसिटी से चला, तो काफी लोग ये सोचते हैं कि ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है 45. कितने लोग यही सोच रहे हैं? सोच रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. तो ऐसा सोचते हैं, या कई लोग ये सोचते हैं कि शायद ये गोल लाइन तो एंगल बना नहीं सकती 45, तो शायद ऐसा होता होगा. स्ट्रेट लाइन ने एंगल क्या बनाया? 45. कोई गलती नहीं है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री तो ऐसा ही कुछ बनता होगा. लेकिन जब वो स्टेटमेंट में ये देता है कि एक स्टोन नीचे गिरा और उसने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया 45, कभी स्टोन का भी एंगल निकला है ग्राउंड के साथ 45? पत्थर तो पॉइंट है, पॉइंट का कौन से एंगल होते हैं? या तो लाइन के एंगल होते हैं या किसी वेक्टर के डायरेक्शन का एंगल होता है. अब यहां पर क्या हो सकता है, एक जब स्टोन हिट करता है ग्राउंड को, तो या तो किसी फोर्स से हिट करता है, इट्स अ वेक्टर, या किसी वेलोसिटी से हिट करता है, इट्स अगेन अ वेक्टर. तो यहां पर फोर्स का कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर नहीं रहे, तो क्या होगा? वेलोसिटी. तो यानी कि वेलोसिटी वेक्टर ने ग्राउंड के साथ एंगल क्या बनाया? 45. अब वेलोसिटी वेक्टर एंगल कैसे बनाती है? तो अगर ये मान लो ग्राउंड है और ये आपका प्रोजेक्टाइल है और ये इस तरीके से ऐसे गिरता है, तो वेलोसिटी वेक्टर आप कहेंगे, ये सपोज करो वेलोसिटी वेक्टर अगर ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, वी वेक्टर, दिस इज वी वेक्टर. हाँ, तो गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इससे ना डायरेक्शन रुकी नहीं है. जो डायरेक्शन है, अगर मैं ये बोलता हूं कि चलो जी मेरे को नॉर्थ इस तरफ है, कोई कहता है नॉर्थ सर खत्म हो गया, मैंने कहा कैसे? कहता है सामने दीवार आ गई, नॉर्थ खत्म हो गया. ऐसे कभी होता है? तो क्या बोलोगे? नॉर्थ तो यार उस तरफ है. किसी ने पूछा दिल्ली जाना है, मैंने कहा जी सामने उस तरफ चले जाओ सड़क पे, दिल्ली आएगा. अब रास्ते में बिल्डिंग है, सामने मेरा ऑफिस आ गया, उसने कहा दिल्ली तो जा सकते, मैं कहा कैसे? कहता ऑफिस आ गया. डायरेक्शन थोड़ी ना रुक गई. पॉइंट समझ में आ रहा है? बिल्कुल वैसे ही मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो मैंने कहा ठीक है डायरेक्शन क्या है? वो कहता ये डायरेक्शन है. तो मैंने कहा आगे? वो कहता रुक गई डायरेक्शन, क्योंकि जमीन आ गई. ग्राउंड आने से क्या होता है? डायरेक्शन तो डायरेक्शन है, तो इस वेक्टर को इमेजिनरी ग्राउंड के नीचे बनाओ और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बनाओ? 45 डिग्री. तो इस क्वेश्चन में नेट वेलोसिटी वेक्टर ग्राउंड एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है? 45. तो ये एंगल ऊपर नहीं बनेगा, ये एंगल नीचे बनेगा, इमेजिनरी वेक्टर के साथ बनेगा. क्लियर है यहां तक? इसलिए मैंने डायरेक्शन, जब ये बोला जाता है कि इस स्टोन ने एंगल बनाया ग्राउंड के साथ, तो यानी कि उसके वेलोसिटी वेक्टर ने एंगल बनाया, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एरो बनेगा, बिना एरो के तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो वेलोसिटी वेक्टर ने एंगल बनाया ग्राउंड के साथ कितना? 45. ठीक है, तो 3 सेकंड में प्रोजेक्टाइल नीचे आया, वेलोसिटी वेक्टर ने एंगल बनाया 45. तो इस केस में फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड स्पीड विद विच बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड. एक तो आपको हाइट बतानी है और एक यू बताना है. देखो एक बात तो पक्की है कि अगर आपको हाइट बतानी है और टाइम पता है, तो हाइट किस एक्सिस में है? वाई में. तो वाई एक्सिस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0. तो एक्सेलरेशन प्लस से नीचे आने में डिस्प्लेसमेंट क्या है? एच. टाइम 3. तो वाई एक्सिस में लगाओ एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह एच, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, आंसर 44.1. मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने पीछे किए उसमें हमें हाइट देता था और टाइम पूछता था, इस बार टाइम दे रहा है और हाइट पूछ रहा है. ठीक, बता रहा हूं. ये पहला आंसर क्लियर हो गया. दूसरी चीज, अब मेरे को क्या निकालना है? यू निकालना है. अगर मुझे यू निकालना है तो एक बात तो पक्की है कि यू वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है, तो इक्वेशन किस में लगेगी? एक्स एक्सिस में. तो क्या लगेगी? एस इज इक्वल टू बी टी, एस की जगह एक्स, वेलोसिटी की जगह यू, टाइम की जगह 3. मुझे क्या निकालना है? U. अब U निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? X. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो U के लिए मेरे को X निकालना पड़ेगा. तो इस केस में, या उल्टा बोलो, अगर मुझे X निकालना है तो मुझे U निकालना पड़ेगा. पर इस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे U निकालना है,
और एंगल क्या बना हुआ है 45। तो एक चीज बताओ कि इस पैरेललोग्राम के अंदर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये वर्टिकल है, और क्योंकि एंगल 45 है तो अगर ये वी वाई है तो ये भी वी वाई है और ये यू है, तो टैन 45 क्या होगा वी वाई डिवाइडेड बाय यू। तो टैन 45 क्या होता है 1, तो वी वाई किसके इक्वल आ गया यू के। क्लियर है? अब इसके अंदर वी वाई और यू बराबर है, तो अगर मैं आपको वी वाई बता दूं तो आंसर यू का सेम आएगा। तो आज के बाद अगर एंगल 45 डिग्री बनता है यहां पर तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यूज हमेशा क्या रहेंगी सेम, वो चेंज नहीं होगी। राइट, क्लियर है? तो इस केस में वी वाई निकाल लें, वी वाई किस एक्सिस में इक्वेशन लगेगी वाई में, और वाई में इक्वेशन क्या लगेगी फाइनल वेलोसिटी वी वाई निकालनी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है जीरो, तो वाई में लगाओ वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी क्या है वी वाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, 9.8 इंटू 3, तो सॉल्व करके क्या आ गया वी वाई। तो क्योंकि वी वाई आ गया, वी वाई और यू यहां पर बराबर है तो यू की वैल्यू आ गई। तो हमने दो चीजें निकालनी थी, एक हमने एच निकालना था, एक हमने यू निकालना था, आंसर आ गया। पर अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में एक्स भी पूछ ले, चलो एक्स भी बता दो, पूछा नहीं है पर एक्स पूछ ले, तो एक्स का मतलब एक्स एक्सिस में क्या अप्लाई करेंगे एस इज इक्वल टू वी टी, तो एक्स इज इक्वल टू यू इंटू 3, U हमने निकाल लिया मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं इसमें सिर्फ दो तीन चीजें लगती हैं, y एक्सिस में लगता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, x एक्सिस में लगता है s इज इक्वल टू वी टी, और अगर ये वेलोसिटी निकालनी है तो क्या लगता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और अगर यहां वेलोसिटीज निकालनी है तो वेक्टर सम लगता है अंडर रूट ऑफ वीएक्स स्क्वायर प्लस वीवाई स्क्वायर, बस और कुछ नहीं लगता इसमें। और मेन बात यह है कि इन टाइप की प्रॉब्लम में कोई फॉर्मूला भी नहीं याद करना पड़ता, मैं कौन सा कोई देखो, हालांकि मैंने फॉर्मूला ड्राइव किए थे रेंज का फॉर्मूला टाइम का फॉर्मूला, पर मैंने लगाया कोई नहीं क्योंकि बुक्स में गिवन है, मैंने बता दिया कि बिना फॉर्मूलाज के ही बेटर है करना। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। क्या क्वेश्चन है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ क्लिफ, अगेन टॉप ऑफ क्लिफ विद अ वेलोसिटी ऑफ कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट टाइम इलैप्सेस, कितना समय हो गया टाइम बताओ बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज बिकम इक्वल। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल हो गई, अब ये कब होगा? ऐसा करने के लिए एक स्टूडेंट बोला कि सर इसका मतलब एंगल 45 डिग्री बना होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था, तभी तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या हो गए थे इक्वल। तो मैंने कहा तो ऐसा क्यों सोच रहा है, कह रहा है कि पिछला क्वेश्चन था तो एंगल 45 है, तो मैंने कहा हाँ होगा 45। तो मैंने कहा उससे क्या होगा, कहता देखो अगर एंगल 45 है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल है, पर मैंने कहा वो तो ऑलरेडी गिवन है, वो तो ऑलरेडी गिवन ही है, तो 45 डिग्री का सोचने की भी जरूरत है क्या? तो मैं पिछले बैच की बात बता रहा हूँ, अभी वो कहता है कि एंगल 45 है तो उससे हम निकाल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्वल है, पर मैं हम निकालेंगे क्यों, वो तो ऑलरेडी वो कह ही रहे कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्वल है। फिर स्टूडेंट का दूसरा क्वेश्चन सुनो, वो कहते हैं इसका मतलब कि ये सिचुएशन यहाँ पे हुई होगी ऐसा। मैंने कहा ये तो कोई जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पे ही ऐसा हुआ होगा, क्या पता हवा में ही हो गया ऐसे। कैसे? जैसे सपोज करो आपका एक प्रोजेक्टाइल चला, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से चला, और सपोज करो ये वो टाइम है जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज इक्वल हो गई, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पर बॉडीज की क्या होती है दो वेलोसिटीज होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। तो हवा में यहां पर ऐसा हो गया, तो नेट वेलोसिटी यहां पर क्या है, ये नेट वेलोसिटी। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर एंगल 45 डिग्री बन गया हो और ये वैल्यूज क्या हो गई हो इक्वल, ये तो ये जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पे आके ही होगा, ये कहीं पर भी हवा में भी हो सकता है। ठीक, तो हम वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते पिछला क्वेश्चन
ये क्वेश्चन, तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन दो पूछे तो आपके माइंड में घर जाके क्वेश्चन आए तो आप ऐसा मत सोचना, तो आप सिंपली जो बोला वो कर दो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो ऑलरेडी दे रहा है आपको कितनी, 9.8। वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लो टी टाइम पे, मान लो टी वो टाइम है जो मुझे निकालना है जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल है, तो वाई एक्सिस में क्या लगेगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो वाई एक्सिस के अंदर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, वी वाई जीरो 9.8 इंटू टी, राइट। तो ये और ये वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये वर्टिकल वेलोसिटी और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है टी टाइम पे, इस वेलोसिटी में तो कोई असर पड़ता नहीं है तो सेम ही रहती है, और वर्टिकल वेलोसिटी टी टाइम पे ये रही, दोनों को इक्वेट कर दिया, टाइम की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसे, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को पढ़ना। तो टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो दो टावर्स हैं, दो बिल्डिंग्स हैं, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 180 मीटर है। ये समझ में आ रहा है डायग्राम में? नेक्स्ट है, विद व्हाट वेलोसिटी अ बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। तो ये पहली बिल्डिंग है, मैं कितनी वेलोसिटी से एक पत्थर को फेंकना चाहता हूं सीधा, हॉरिजॉन्टली सीधा, टेढ़ा नहीं गिरना, वो कहते सीधा, ताकि, और कितनी हाइट से, ग्राउंड से कितनी हाइट है 55 मीटर, ताकि वो एंटर कर जाए एक विंडो में 10.9 मीटर अबव द ग्राउंड इन द सेकेंड बिल्डिंग, ताकि वो यहां पर एंटर कर जाए दूसरी बिल्डिंग की विंडो में जिसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है 10.9 मीटर। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जी इसमें करना क्या है। मैंने कहा क्या हुआ, वो कहता है जी तीर कमान की तरह लो, ऐसे मारेंगे पत्थर, गुलेल ले लो। पर उसने कहा स्टोन कैसे गिरना है, हॉरिजॉन्टली, पत्थर तो ऐसे भी जा सकता था लेकिन फेंकना हॉरिजॉन्टली है। अब हॉरिजॉन्टली में एक प्रॉब्लम है, किसी ने पत्थर बहुत तेज हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, सामने वाली विंडो पे जाके गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट जब तक आएगा तब तक उसकी वेलोसिटी बहुत तेज है, वो हिट कर जाएगा। किसी ने बहुत स्लो गिर दिया तो हो सकता है वो रास्ते में यहीं गिर जाए। तो आपको एग्जैक्ट स्पीड बतानी है, ना ज्यादा ना कम, ताकि वो एग्जैक्टली इसी विंडो में एंटर करे और पैराबोलिकली एंटर करे। समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ, एग्जैक्ट भेजना है पूरा। मीटर है तो इसके अंदर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फेंकना है हमने, और हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहां से यहां तक है। तो वर्टिकल हाइट जो ये स्टोन कवर करेगा वो बस इतनी है, और ये कैसे आएगी, टोटल डिस्टेंस कितना है
55, ये कितने हैं 10.9, इन दोनों को माइनस करके आंसर क्या आएगा 44.1। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहां डील करता है सिर्फ इतने पोर्शन में, ये रहा बस, ये पुराना क्वेश्चन ही तो हो गया कि ये हाइट है 44.1 मीटर जो स्टोन ट्रेवल करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ यू करेगा, और ये डिस्टेंस कितना आएगा 180 मीटर आएगा, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो इसमें वाई एक्सिस में अगर हम इक्वेशन लगाएं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 और वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना है 44.1, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 44.1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके t आ गया। आप सोचेंगे t क्यों निकाला, टाइम तो पूछा भी नहीं था। टाइम इसलिए निकाला क्योंकि जब आपको u निकालना है तो इक्वेशन किस एक्सिस में लगेगी, x में, और x में इक्वेशन क्या लगती है, s इज इक्वल टू वी टी। x कितना होगा 180, क्योंकि दो विंडोज में हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी है 180, इज इक्वल टू u, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस सेम u, इनटू टाइम कितना है 3, टाइम चाहिए होगा। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, u आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? सेम क्वेश्चन है, बस बताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन देखें, हेलीकॉप्टर ऑन अ फ्लड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ यू, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और लोगों को उसने फूड पैकेट देने हैं, कोई मिशन पे है, वो नीचे बाढ़ आ गई है और उड़ते उड़ते फूड पैकेट को गिरना चाहते हैं, एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ h, तो हेलीकॉप्टर का ऑल्टीट्यूड h, हैज टू ड्रॉप अ फूड पैकेट फॉर अ विक्टम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे कोई विक्टम खड़ा है और उसको फूड पैकेट डिलीवर करना है। At what distance from the victim should the food packet be dropped? वो कह रहे हैं कितनी दूरी पे हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट को ड्रॉप करना है। ठीक, अब जब ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो एक क्वेश्चन माइंड में कई स्टूडेंट को आ जाता है, जैसे दूसरे बैच में आ गया, वो कहता है जी ये करने की जरूरत क्या है, आप फूड पैकेट, बंदा यहाँ खड़ा है, आप यहाँ गिर रहे हो फूड पैकेट, हेलीकॉप्टर तो हवा में रुक ही सकता है, तो जाओ उस बंदे के सर पे हेलीकॉप्टर को खड़ा दो, ऊपर जाके उड़ाओ मत, क्यों भगा रहे हो, और फूड पैकेट को सीधा ड्रॉप कर दो, देखो उसके हाथ में गिरेगा, सही है? क्यों इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हो कि वो उड़ता हुआ आएगा और फिर ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, क्यों भाई, सीधा जाओ और गिर दो, खत्म होगी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं कर नहीं सकता इसमें, क्यों? क्योंकि उसने कहा हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी यू है, तो चलते हुए हेलीकॉप्टर से ही गिरना है, गेर तो वैसे भी सकते थे, और उसने बोला तो बोला, चलते से गेरना है तो चलते गेर, अपना दिमाग नहीं लगाना कि रोक देंगे, तुम पायलट नहीं हो, ठीक, तो जो इंस्ट्रक्शन है वही फॉलो करनी है। तो ये बिल्कुल ना ऐसा दिमाग लगाना, ऐसे भी गेर सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे ही गेरना है जैसे है। जैसे एग्जाम्पल है, एक फाइटर प्लेन उड़ रहा है, तो फाइटर प्लेन के अंदर क्या होता है बेसिकली, वो स्पीड तो बहुत जबरदस्त होती है, मैंने बताया था फाइटर प्लेन की स्पीड तो बहुत ही तेज है और हाइट भी बहुत ज्यादा होती है इनकी। तो सोचो ना, अगर मान लो वो 3 या 5 3 मैक का एक फाइटर प्लेन है, 3 मैक का मतलब 3 इंटू स्पीड ऑफ साउंड, तो कम से कम 900 और 1000 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चल रहा है,
120 पे गाड़ी चलती है ना हाईवे पे, आपको थोड़ी लगता है कि यार गाड़ी चली गई 120 पे, जब 1000 और 2000 की स्पीड पे फाइटर चलता होगा तो सोचो क्या लगता होगा। और फिर ऊपर से मिसाइल भी गिरनी है तो सोच, और ऊपर से हाइट इतनी है, हाइट में तो ऐसा है ना कि अगर आप इतने किलोमीटर हाइट पे ऐसी पत्थर भी गिर दोगे तो कई किलोमीटर जाके नीचे गिरेगा। हाइट देखो ना, अगर बहुत हाइट है तो कितने किलोमीटर कवर कर जाएगा हल्का सा। तो मिसाइल गिरनी है तो सोचो कितने किलोमीटर पहले मिसाइल गिरनी पड़ेगी। ऐसे ही है, कोई मूवी देख लो जिसमें फाइटर प्लेन एनिमी को टारगेट करता है, तो आपको वो पूरी मशीन में दिखाते हैं डिजिटल कि सामने वो टारगेट है, तो वो उस टाइम ऐसा नहीं होता कि वो पीछे से वो आपको देख रहे होते हैं टारगेट, वहीं हिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की बहुत स्पीड है, फिर वो मशीन जो है वो टारगेट बनाती है, एक्चुअल में वो प्रोजेक्टर का कॉन्सेप्ट पूरा लगाती है। उसको प्लेन की स्पीड पता होती है, कंप्यूटर को प्लेन की स्पीड पता है, और वो टारगेट वो सेंसर लगा होता है, वो कैमरास और सब देख लेते हैं टारगेट को, वो फिक्स कर देते हैं, और प्लेन की स्पीड या फाइटर प्लेन की स्पीड के हिसाब से वहीं क्लिक होता है और प्रोजेक्टाइल की तरह उड़ता हुआ मिसाइल जाता है इस तरीके से, और कई किलोमीटर पहले घेरा जाता है और वहां जाके गिर जाता है। अब सोचो उस टाइम फाइटर प्लेन की जो एंगल है वो भी चेंज हो गया, वो अब हॉरिजॉन्टल तो हम कह रहे हैं, हवा का प्रेशर है, सौ चीजें, हल्का सा हिल गया टारगेट हिल जाएगा। तो महंगे प्लेन लेने से तो फायदा होता ही है कंट्री को कि महंगे प्लेन लिए, अमेरिका से रशिया से मंगा रहे हैं, लेकिन चलाने वाला बंदा भी तो होशियार चाहिए ना। तो ऐसा ना हो ना प्लेन तो अमेरिका से मंगवा लिया और चलाना आया नहीं वहां पे, तो फिर प्रोजेक्टाइल तो हुआ नहीं, गड़बड़ हो गई सारी, कि इस एंगल पे चला दिया गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है यहाँ तक? तो बिल्कुल वैसे ही एक फूड पैकेट को गिरना है तो उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टल आ रहा है यू स्पीड के साथ, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो और वो यहां आके गिरेगा। तो मेरे को क्या निकालना है कि डिस्टेंस निकालना है हेलीकॉप्टर का और इस मैन का जो इसको कैच करेगा, डी निकालना है। अगर डी निकालना है मुझे एच और एक्स चाहिए। एच तो मुझे पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है ऑल्टीट्यूड एच, तो एक्स मुझे पता नहीं। अगर मैं एक्स निकाल दूं तो डी की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स निकालना है, एक्स निकाल लेते हैं। एक्स निकालने के लिए एक्सिस क्या चूज करेंगे? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में इक्वेशन क्या लगती है? एस इज इक्वल टू वी टी, एक्स इज इक्वल टू यू इन टू टी। प्रॉब्लम ही है अपने को टाइम नहीं पता। अब पहले काम करो, टाइम की समस्या ठीक कर लो। तो टाइम निकालने के लिए आपको एच गिवन है, तो वर्टिकल में लगाओ एच इज इक्वल टू 0 + 1/2 जी टी स्क्वायर। टाइम आ गया, इस टाइम को यहां पे पुट करो तो एक्स आ गया, इस एक्स को यहां पुट करो तो डी की वैल्यू आ गई। और आंसर इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल्स की फॉर्म में है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है?